बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस, दिस इज़ मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप लोगों का टेक क्वीन चैनल के ऊपर। और यहाँ पर आज की इस कक्षा के अंदर बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ ग्लोबल और लोकल के बीच में अंतर। ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से आपके एग्ज़ाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है, तो उसके लिए आपका कंसेप्ट बहुत ही क्लियर है जो होना चाहिए। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करें। उससे पहले, क्या आपने इस वीडियो को शेयर किया? बिल्कुल मैम। क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया? जी हाँ मैम। क्या आपने लाइक किया? बिल्कुल 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 मैम, हमने लाइक भी कर दिया। तो तीनों चीज़ें आपकी हो गई होंगी। इस छोटी बच्ची की, ये जो सामने आपको यहाँ बच्ची दिखाई दे रही है, इसकी बात सुन लो यार, लाइक कर दो, है ना। वो बोल रही है शेयर भी करो, तो मान लो यार उस बच्ची की बात, है ना। प्यारी सी बच्ची है। चलो आगे चलते हैं अब। हाँ बात करेंगे यहाँ पर कि भाई लोकल ग्लोबल जो भी है, आपको अगर समझना है ना तो आपको इसको समझना पड़ेगा, इस डायग्राम को, इस पिक्चर। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको लेगबी रूल पूरा का पूरा बता दूंगी। यहाँ पर मैं आपको लोकल और ग्लोबल बता रही हूँ, ठीक है। ऑरेंज और पिंक लेयर है जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, बाकी जो हमारी ग्रीन लेयर है और ब्लू लेयर है, वो सारी और ये सारी चीज़ें मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेगबी रूल के तहत, लेगबी रूल के अंदर मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए लोकल की अगर हम बात करें तो पहले इस थोड़े से डायग्राम के थ्रू इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पर एक प्यारा सा प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही सिंपल इजी सा प्रोग्राम है। हम भी ऐसा ही प्रोग्राम बनाएंगे। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। कूल मैम, फंक्शन कॉल होकर के जाता है फंक्शन के हेडर डेफिनेशन की तरफ। यहाँ पर हम A15 की बात करते हैं और हम जब प्रिंट कराते हैं यहाँ पर, तो सबसे बड़ा सवाल ये हमारा यहाँ पर A है, ये हमारा A15 है, तो यहाँ पर हमें क्या प्रिंट होने वाला है और यहाँ पर हमें क्या प्रिंट होने वाला है A के अंदर। यानी कि हम सीधा सीधा एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस ए की बात हो रही है, और दो ए आपने यहाँ पर यूज़ किए, किसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होने वाली है। वैसे तो डायग्राम इतना प्यारा बनाया है कि आपको देखते से ही समझ में आ जाएगा। देखिए बात यहाँ पर अगर हम सिर्फ डेफिनेशन की करते हैं, तो पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा देती हूँ दोनों की कि क्या होती है। बात करूँ अगर ग्लोबल की, तो कहता है कि अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ फंक्शन इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल बाई डिफ़ॉल्ट। विदाउट द ग्लोबल कीवर्ड द वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन विच इज़ लोकल बाई डिफ़ॉल्ट। तो ये जो हमारा जो यहाँ पर एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर भी कुछ यूं ही इस तरीके से दो वेरिएबल नहीं बन रहे हैं। एक तो फंक्शन के बाहर है और एक फंक्शन के अंदर है, जिसमें हमने कोई भी ग्लोबल नाम का कीवर्ड यूज़ किया नहीं है। तो बिल्कुल ये हमारा होता है लोकल और ये हमारा होता है ग्लोबल। ग्लोबल जो होता है उसका जो स्कोप होता है वो पूरे प्रोग्राम के अंदर होता है, राइट। जो लोकल है वो उसी ब्लॉक के अंदर, यानी कि उसी फंक्शन के अंदर, ये जो इसका फंक्शन का ब्लॉक दिख रहा है ये वाला, सो इसी फंक्शन के अंदर ये जो है जिंदा होता है, यानी कि इसका बर्थ होता है, और फंक्शन के ख़त्म होते ही ये मेमोरी से डेड हो जाता है। यानी कि इसका जो स्कोप है वो उतना सा है जितना फंक्शन के अंदर लिखी हुई लाइनें हैं। तो यानी कि इसने, जब आपने इसको लिखा तब इसका जन्म हुआ, और जैसे ही फंक्शन ख़त्म, यानी कि ये फंक्शन की बॉडी से आप जैसे ही बाहर आते हो, वैसे ही हमारा A इज़ इक्वल्स टू 15, जो कि एक लोकल वेरिएबल था, वो डेड हो जाएगा। स्कोप इसका इतना सा है, बाहर इसको कोई भी नहीं जानता है इस फंक्शन के। जैसे बखूबी मैं इस सवाल के थ्रू भी, इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन हैं। हमने क्या किया है, एक फंक्शन को कॉल किया है और उसने A में 10 है जो प्रिंट करा दिया, वेरी गुड। अब हम दूसरा फंक्शन कॉल करने गए और यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि A कौन से वाला प्रिंट कराऊँ। क्या बोला इसने, A कौन से वाला क्या प्रिंट कराऊँ, इसको पता नहीं चल रहा है कि किस A की यहाँ पर बात हो रही है, मतलब क्या है, ये एक्स है क्या यहाँ पर। तो बच्चा, कहने का मतलब है कि इसने अपने घर में देखा ना, अपने घर में इसको एक्स कहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके घर में तो एक्स है ही नहीं। अगर अपने घर में एक्स नहीं है तो वो बाहर वाले देखेगा, बाहर कहाँ पर, ग्लोबल के अंदर, और ग्लोबल के अंदर भी वी डोंट हैव एक्स। तो इस केस में इसने हमें एरर दे दी, समझ में आई बात। अब ये जो कच्ची पक्की बात आपकी समझ में आ चुकी है, तो इस कच्ची पक्की बात पर हम एक श्योरिटी का ठप्पा लगाने के लिए चलते हैं
पायचाम के ऊपर। चलिए तो पायचाम के ऊपर यहाँ पर हम समझते हैं, तो पायचाम के ऊपर यहाँ पर हम समझते हैं एक फंक्शन बना लेते हैं, वैसा ही कुछ बनाते हैं जैसा हमारे पीपीटी के अंदर था। ऐड करेंगे और यहाँ पर दो हमारे पास में ए 10 है और बी कुछ 90 ले लेते हैं और दोनों को हम प्रिंट करा देते हैं ए प्लस बी, राइट। अब हम अपने फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे। तो देखिए होता क्या है, हमारा फंक्शन कॉल होता है बखूबी। कॉल होने के बाद में ये जो ए और बी है, बिल्कुल ये हमारे एक फंक्शन की बॉडी के अंदर हैं और हम कोई भी ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, एक फंक्शन के अंदर है, तो इनको बोला जाएगा बिल्कुल, अगर आप सोच करके बैठे हैं कि ये हमारे लोकल है, तो बिल्कुल ये हमारे लोकल ही हैं। अब मैं क्या करती हूँ फंक्शन की बॉडी के बाहर भी दो वेरिएबल्स ले लिए मैंने और दोनों का नाम मैंने सेम रख दिया, बट वैल्यू हम थोड़ी सी डिफरेंट कर देते हैं। तो मैंने इनके अंदर जो वैल्यू डाली वो कुछ अलग डाली। अब होता क्या है कि ये हमारे जो फंक्शन के आउटसाइड हैं, फंक्शन की बॉडी के बाहर हैं, हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर हैं, तो ये क्या हो गए, ये हमारे ग्लोबल हो गए यहाँ पर। और ग्लोबल हो गए, अब हम ऐड फंक्शन को कॉल करने गए, तो यहाँ पर हमारा ए 10 और बी 90, जिन दोनों को हमने प्लस किया तो हम एक्सपेक्ट 100 की कर रहे हैं, तो वही हमारे पास प्रिंट होने वाला है। जब हम वापस आए और मान लीजिए हमने यहाँ पर भी ए प्लस बी कराया है, तो मन में सवाल उठा कि ए में 10 और बी में 90 जुड़ करके यहाँ तो हो गया 100, लेकिन यहाँ पर कौन से वाला लोकल या ग्लोबल। तो देखिए लोकल का जो जीवन होता है, जो लाइफ होता है उसका, वो इस फंक्शन से शुरू और इस फंक्शन पर ही ख़त्म, यानी कि इस फंक्शन के बाहर इन दोनों ए और बी को कोई जानता नहीं है। तो बिल्कुल जब हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये हमारा 3 और 2 दोनों दोनों प्लस होकर के बनेगा 5, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो उत्तर है, जो आंसर है वो आएगा। तो आपको यहाँ पर जानना बेहद ज़रूरी है कि लोकल का जो स्कोप है वो कितना रहता है और ग्लोबल जो कि पूरे प्रोग्राम के दौरान हमारा यूज़ होता है। अब मैंने लोकल का यहाँ पर यूज़ किया नहीं है और अपनी लास्ट स्टेटमेंट जिसके अंदर मैं आपको कह रही थी कि ग्लोबल का जो स्कोप होता है वो पूरे प्रोग्राम के अंदर रहता है, तो अब मैंने यहाँ पर कोई लोकल नहीं डिक्लेयर किया है और मैं ए और बी को जोड़ रही हूँ, तो यहाँ पर क्या मुझे एरर आएगी, क्या होने वाला है यहाँ पर। थोड़ा सा पॉज करिए, इसका कारण, इसका रीज़न, इसका आउटपुट जो भी आपके मन में है वो कमेंट सेक्शन के अंदर डालो। अभी इसको पॉज करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर डालेंगे, और अगर आप को लगता है कि इसका आंसर ये हो सकता है तो अभी पॉज हटा करके आप आ चुके हैं और हम इसको रन कर चुके हैं और बिल्कुल हमारे पास 5000 ही आएगा। यानी कि जब अपने घर में चीनी ख़त्म हो जाती है तो हम बाहर जाते हैं दुकान पर, वही चीज़ इसके खुद के घर में ए और बी था नहीं, तो इसीलिए ये ग्लोबल के पास गया, मतलब बाहर गया, बाहर है, तो इस वजह से इसने क्या कर दिया, उनकी वैल्यू जोड़ दी। बट अगर मान लीजिए ये भी हटा देते हैं तो बिल्कुल एरर आना लाजमी है, यहाँ पर आपको एरर आएगी जो आपने इस एग्ज़ाम्पल के अंदर देखा। कौन से वाला, ये वाला एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पर x के अंदर आपको एरर क्यों आ रही थी, क्योंकि हमारे पास ग्लोबल के अंदर कुछ नहीं था। तो ये डायग्राम मैंने आपको बोला ना, ये आपको बेहद ध्यान में रखना है। तो इस डायग्राम के अंदर क्या चीज़ की बात हो रही है, पहले तो इसको जानिए। देखिए जब चीज़ हमारे लोकल में नहीं है, घर में नहीं है, तो हम बाहर जाएंगे, है ना। चीनी तुम्हारे घर में नहीं मिली तो तुम कहाँ गए, तुम बाहर गए दुकान पर लेने के लिए। वही चीज़ यहाँ पर है, जब उसको लोकल में वैल्यू नहीं मिली तो वो बाहर जाता है। खैर मैंने आपको ये तो कराया नहीं हुआ इनक्लोजिंग, क्योंकि ये नेस्टेड के अंदर कराएंगे, बट हम मान लेते हैं ये वाला, तो अब ग्लोबल के अंदर वो वैल्यू है जो ढूंढने जाएगा। चलिए अब मैं इसके अंदर आपको और 4-5 चीज़ें हैं जो बता दूँ कि भाई ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ कहाँ और कैसे होता है। जब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर ऐसे कर रही थी, अब मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे ग्लोबल की ही वैल्यू है जो चाहिए, बट उसमें चेंज करना है मैंने। तो जब आपको ग्लोबल के अंदर कोई चेंज करना होता है
तो दैट टाइम हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करेंगे और ए लिखेंगे। तो अब इतना लिखने से क्या हो जाता है, इसको हम बताते हैं यहाँ पर कहाँ पर चला गया, ये रहा। तो देखिए हमारे पास ये दोनों क्या है, मैम ग्लोबल है, ये दोनों क्या है अभी बताते हैं। पर हमारा फंक्शन कॉल होता है, अब हमने लिखा ग्लोबल ए, इतना लिखते ही, ग्लोबल इज़ ए कीवर्ड, इतना लिखते ही हमारा कनेक्शन है जो इसके साथ में हो जाएगा, यानी कि अब जो भी काम होगा ना वो इस ग्लोबल के साथ ही होगा। तो हमने लिखा ए में 10, तो एक्चुअल में ये हमारा जो ए 2000 था इसकी वैल्यू बन चुकी है 10, ठीक है। अब हमारा बी, ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर अभी तक लोकल है, ये तब तक ग्लोबल नहीं बनेगा जब तक हम इसमें ग्लोबल नाम के कीवर्ड का यूज़ करते नहीं हैं। अब यहाँ पर होगा बी हमारा 90 और ग्लोबल यानी कि ये वाला जो ए है ये हमारा बन चुका है यहाँ पर 10, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से आंसर तो 100 ही आने वाला है, बट जब हम बाहर आएंगे और इसको प्रिंट कराएंगे तो ये क्या करेगा, ए में अभी तक हो चुका है 10 और बी में फ़िलहाल हमारे पास है 3000, तो दोनों जुड़ करके हमारे पास में आंसर है जो डिस्प्ले होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करते ही हो क्या गया। तो अब जब हमने इसको रन किया तो बिल्कुल 100 और 3010, 3010 क्यों आया, क्योंकि हमारे ग्लोबल की वैल्यू यहाँ पर चेंज कर दी। अब मैं यहाँ पर मान लीजिए इसकी वैल्यू 90 कर देती हूँ, तो अब देखिए 90 और 3000 हमारे प्लस होने वाले हैं बाहर आ कर के, तो वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ कितना महत्वपूर्ण है। अलग अलग प्रोग्राम्स हैं हमारे पास में, इस फंक्शन को जब हमने कॉल किया तो हमारे पास में यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए, तो सबसे पहले वो अपने घर में देखेगा कि x के अंदर कुछ है कि नहीं है, मतलब x है, नहीं मिला तो जब अपने घर में नहीं मिल रहा तो वो अब बाहर जाएगा, यानी कि उसने ग्लोबल की वैल्यू हमारे पास प्रिंट कर देनी, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब यहाँ से हम d के पास में गए, अब यहाँ पर हम ग्लोबल के अंदर चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जब हमें ग्लोबल के अंदर चेंज चाहिए, उसकी एज इट इज़ वैल्यू नहीं चाहिए, वी वॉन्ट टू चेंज इट्स वैल्यू, सो दैट टाइम वॉट वी नीड टू डू, हमें ग्लोबल नाम के कीवर्ड का यूज़ करते हुए उसकी वैल्यू में चेंज ला सकते हैं, अदरवाइज हमें एरर आ जाएगी। हमारा ग्लोबल लोकल सो सारा यूज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, तो बच्चा बिल्कुल आप यूज़ करिए LA लाइव कोड। अनअकैडमी पर क्लासेस हैं जो चल रही हैं, पोल क्लासेस, भरपूर फ़ायदा है जो उठाओ वहाँ पर जाकर के क्लासेस का। एंड ये लेक्चर सीरीज़ कैसी लग रही है, बहुत मेहनत है जो जारी है इसको कंप्लीट करने के लिए, कोई शिकायत का मौका हमारी तरफ से नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक रह चुका है या फिर इस टॉपिक के अंदर मुझे बताइए मैम दोबारा, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शंस के अंदर हमसे पूछ सकते हैं और बार बार पूछ सकते हैं। आप अनअकैडमी पर हमारी फ्री क्लासेस को एक्सेस करने के लिए भी आप LA लाइव का कोड यूज़ करते हुए आ सकते हो, और अगर मन करे फ्यूचर में कि मुझे प्लस लेना चाहिए, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी टर्म टू की जो डेफिनेटली होगी भी, तो उसके लिए भी यू कैन यूज़ LA लाइव कोड, क्योंकि हमारे कोड के थ्रू सीधा 10% का डिस्काउंट है जो आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले लेक्चर के अंदर, तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ये सारी चीज़ें कर देना। बाय।